अस्पताल में भर्ती सौरभ गांगुली की हुई एंजियोप्लास्टी, अब हालत स्थिर। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वेदनाओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके साथ खड़ी। बीजेपी की वैक्सीन पर मैं कैसे विश्वास करूं? अखिलेश यादव बोले, पार्टी ने की माफी की मांग। उत्तराखंड के 5 अस्पतालों में आज कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल हुई। किसान आंदोलन टीवी पर दिए बयान को लेकर लुधियाना से कांग्रेस सांसद के खिलाफ केस दर्ज। टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद को मिली वाईपस कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। कर्नाटक में दुकान और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली। चीनी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए पैंगोंग झील में भारतीय सेना तैनात करेगी 12 स्वदेशी नौकाएं। यूपी में मकर संक्रांति के आसपास शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण, योगी आदित्यनाथ। बिपिन रावत ने किया चीन से सटे सैन्य अड्डों का दौरा, बोले मुश्किल हालातों में सीमा की हिफाजत करना जानती है भारतीय सेना।